झारखंड चुनावों में आरजेडी को लालू प्रसाद यादव की कमी खल रही है। जी हाँ, पार्टी को अभी तक लालू की जगह लेने वाले स्टार प्रचारक नहीं मिल पा रहा है। आरजेडी ने फिलहाल 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें लालू परिवार के दर्जन भर सदस्यों को जगह दी गई है, जो चुनावी प्रचार अभियान में पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय मानते हैं कि पार्टी को लालू और प्रसाद जैसे स्टार प्रचारक की कमी पिछले चुनाव से ही खल रही है। पार्टी को अभी तक उनके बराबर का नेता नहीं मिल पाया है। चुनावों में लालू प्रसाद को सुनने के लिए हर वर्ग के लोगों की भीड़ होती थी। उन्होंने आगे ये भी बताया कि आरजेडी ने जिन स्टार प्रचारकों को प्रचार के लिए लगाया है, वो ही पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में लालू का जलवा देखने के लिए झारखंड की कई विधानसभाओं में काफ़ी भीड़ रही। इन विधानसभा क्षेत्रों में देवघर, गोड्डा, कोडरमा, पलामू, चतरा, मनिका, लातेहार, गढ़वा, गोड्डा शामिल हैं। लालू प्रसाद यादव ने अंतिम चुनावी सभा गोड्डा से की थी, जिसमें उन्होंने बिहार में 2015 विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रचार किया था। इसका नतीजा यह रहा कि आरजेडी 80 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और जेडीयू 71 सीट जीतकर दूसरे स्थान पर रही। सदाफ्ता लालू प्रसाद यादव फिलहाल रिम्स में भर्ती हैं। उनकी उपस्थिति के बगैर चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन पार्टी के नेता कार्यकर्ता नियमानुसार उनसे मुलाकात कर चुनावी रणनीति की बारीकियों को जानते हैं और इसे बूथ स्तर तक पहुँचाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि आरजेडी यहाँ पर कोशिश तो पूरी कर रही है अपनी 7 सीटें जीतने की, लेकिन लालू प्रसाद यादव का ना होना उनके लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे में क्या तेजस्वी लालू की जगह लेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट। भाई वो